சிவராஜ் இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரி பிஎன்ஒஎஸ் அட்மிஷன் பிளஸ் டூ மார்க் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது. நீட் தேர்வு அவசியமில்லை. தொடர்புக்கு 7448-835-00. अन्य राज्य की राज्यपालगण और मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी एवं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, गुजरात सरकार में वित्त मंत्री श्री कोनुभाई देसाई जी, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस कार्यक्रम में जुड़े सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, स्वास्थ्यकर्मीगण और लाभार्थीगण, देवियों और स्वजनों, आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मंडुआ जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। हमारी परंपरा में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सर्वे संतु नरमाय, अर्थात सभी लोग रोग मुक्त हो, यानी स्वस्थ रहे। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मल्टी मिनिस्टरियल अप्रोच अपनाया गया है। ऐसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सबका सहयोग सहायक होता है। हाल ही में G20 देशों के प्रमुखों का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। G20 एक्शन प्लान 2023 के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में विश्व समुदाय द्वारा तेज गति से आगे बढ़ने का रोडमैप स्पष्ट हुआ है। भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रभावी तरीका अपनाया है। इस पद्धति के तहत ग्रामीण स्तर पर कार्य करने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा के से जुड़े कई आयामों पर सफलता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आखिरी छोर तक पहुंचाने के इस अभियान को सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से आरंभ होकर ये अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन संपन्न होगा। महात्मा गांधी के अंत्योदय के विचार को प्रधानमंत्री जी ने अपने गतिविधियों में केंद्रीय महत्व दिया है। आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाने का आयुष्मान भव अभियान अंत्योदय के आदर्श के प्रेरित है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 के तहत सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड पहुंचाना, सभी ग्रामवासियों को स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण से जुड़े मुद्दे पर जागरूक बनाने के लिए आयुष्मान सभाओं का आयोजन कराना, स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित देने के लिए आयुष्मान मेले का आयोजन करना तथा हर मेडिकल कॉलेज द्वारा सप्ताह में एक बार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के स्तर पर विशेषज्ञों को भेजकर चिकित्सा प्रदान करना बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे बताया गया है कि आयुष्मान सभाओं में लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी। जन भागीदारी और जन प्रतिनिधियों की भागीदारों से टीबी जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तथा सिकल सेल डिजीज की रोकथाम, उपचार तथा निराकरण के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। हेल्दी चाइल्ड हेल्दी नेशन की दूरगामी दृष्टि के साथ
18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं इस जनकल्याणकारी प्रयास की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। बड़ी सोच और बड़े काम आज के भारत के पहचान है। अनेक क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी और कार्य पद्धति को अपनाने में भारत बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले मुझे गुजरात विधानसभा की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करने का सुअवसर मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस अखिल भारतीय पहल का शुभारंभ भी टेक्नोलॉजी के जरिए वर्चुअल मोड से किया जा रहा है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी की विशेष प्रशंसा की जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर छोटे शहरों और गांव के लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ने का भारत का उदाहरण पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। मुझे बताया गया है कि सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि अन्य क्षेत्र की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत डिजिटल इंक्लूजन के आदर्श प्रस्तुत करेगा। भारतवासी कुछ भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण हमारे देश ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। आज से लगभग 105 वर्ष पहले जब एक वैश्विक महामारी ने विश्व समुदाय को आतंक किया था, तब सबसे बड़ा असर भारतवासियों पर हुआ था। परंतु कोविड-19 का सामना करने में देशवासियों के धैर्य और साहस, भारत के वैज्ञानिकों की असाधारण क्षमता, डॉक्टरों, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रशासन और कुशल नेतृत्व के बल पर भारत ने न केवल अपनी विशाल आबादी को उस भयानक आपदा से बाहर निकाला, बल्कि विश्व के अनेक देशों को भी सहायता की। भारत द्वारा विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान संपन्न करना हमारे देश के आत्मनिर्भरता और दक्षता का अभूतपूर्व उदाहरण है। जन भागीदारी और सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ने असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे बताया गया है कि आयुष्मान भव अभियान की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तथा विलेज सभी स्तर पर भाग लेने वाले मंत्रालयों, संस्थानों, विभागों और व्यक्तियों की भूमिका तय कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस को भी स्वास्थ्य मेलाओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में योग देने वाले जिलों, पंचायतों और वार्ड्स को पुरस्कृत करने की पहल सराहनीय है। इसी प्रकार टीबी के उन्मूलन में निक्षय मित्र के रूप में योगदान देने वाले संस्थानों तथा व्यक्तियों को पुरस्कृत करने भी प्रशंसनीय है। ऐसे बहुस्तरीय और व्यापक भागीदारी के साथ चलाए जाने वाले आयुष्मान भव अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।